Assalamu alaikum, my little smarties. Today we will learn ENV chapter number 7. Animals are friends. Animals जो होते हैं वो हमारे friends होते हैं. आज हम बहुत कुछ नई नई चीजें animal के बारे में जानेंगे. Are you ready for this? Yes. Our first topic is different kinds of animal. Animals जो होते हैं वो different type के होते हैं. कैसे? There are many different types of animals found on our earth. Some are big and some are small. हमारी जो पूरी दुनिया है उसमें बहुत सारे different types के animals होते हैं. उसमें से कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं. We are starting from big animals. Animals such as giraffes, cows, buffaloes, elephant, lions, tigers, hippopotamus, rhinoceroses, camel, horses, sharks, whales, dolphins and many other are big animals. ये जो मैंने सब पूरे नाम लिए वो सब big animals है. The elephant is the largest land animal, while the giraffe is the tallest. ये जो पूरे world में largest animal है वो elephant है. आपको पता है ना elephant कितना बड़ा सा होता है. वैसे ही जो giraffe है वो सबसे लंबा animal है. The blue whale is the largest animal on earth. मतलब जो blue whale है जो पानी में रहती है वो भी बहुत ही लार्ज होती है. नेक्स्ट, वाइल्ड एनिमल्स. मोस्ट ऑफ द बिग एनिमल्स लाइक टाइगर्स, लायंस, जेब्रास, एलिफेंट्स एंड जिराफ्स लिव इन फॉरेस्ट एंड आर नोन एज वाइल्ड एनिमल्स. मतलब जो भी एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं उसको वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं. These animals take care of themselves and their young ones. ये जो animals होते हैं वो अपना ख्याल खुद ही रखते हैं और उनके जो babies होते हैं उनका भी ख्याल वो अच्छे से रख लेते हैं. देखो ये सब है वो wild animals है. Can you see this picture? Next, देखो ये भी अपने यंग वंस का ख्याल रखता है, खुद का भी ख्याल खुद से ही रखते हैं. ये सब वाइल्ड एनिमल्स है. नाउ स्मॉल एनिमल्स. एनिमल्स सच एज स्क्विरल्स, कैट्स, रैबिट्स, रैट्स, डॉग्स, पक्यूपाइंस, अर्थवर्म्स, स्नेल्स, बटरफ्लाइज एंड क्रैब्स आर स्मॉल एनिमल्स. ये जो सारे एनिमल्स है वो स्मॉल एनिमल्स है. दिस इज द पिक्चर ऑफ रैबिट, बटरफ्लाई, क्रैब, पक्यूपाइन, स्नेल, अर्थवर्म एंड स्क्विरल. दीज आर द स्मॉल एनिमल्स. नेक्स्ट, बर्ड्स. Birds are animals that have two legs and wings and are covered with feathers. जो birds होते हैं उनको two legs और wings होते हैं. जो wings होते हैं वो feathers से पूरे भरे हुए होते हैं. There are many different types of bird. और birds भी बहुत सारे different types के होते हैं. Some birds such as ostriches, emus, eagle, vultures are large. देखो ये ostrich है, ये emu है, ये eagle है और ये vulture है. ये सब big birds है जो बड़े होते हैं. Other birds such as parrots, crows, hens and pigeons are small birds. Parrots,
क्रोस, हैन, पीजन, वो सब स्मॉल बर्ड्स है, पैट एनिमल्स. मैनी स्मॉल एनिमल्स कैन बी सीन इन एंड अराउंड आर होम्स. वी कीप स्मॉल एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स, पैरट्स, रैबिट्स एंड स्मॉल फिशेज पेट्स. मतलब हमारे घर के आसपास, हमारे आसपास हम छोटे छोटे एनिमल्स देखते हैं. उन एनिमलों में से हम डॉग्स, कैट्स, पैरट्स, रैबिट्स और स्मॉल फिशेज, उन सबको हम अपने घर पे एज अ पैट एनिमल रख सकते हैं. वी शुड लुक आफ्टर आवर पैट्स वेल. मतलब हम अगर हमारे घर पे ये एनिमल्स को एज अ पैट बना के लाते हैं तो हमको उनका अच्छे से ख्याल रखना है. पैरट, रैबिट, स्मॉल फिशेज. अंडरस्टूड? मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स लिव ऑन लैंड. सम ऑफ देम आर कैट्स, डॉग्स, फॉक्सेस, टाइगर्स, एलिफेंट्स, जिराफ, हॉर्सेस एंड हैंस. ये जो सारे एनिमल्स है वो लैंड में रहते हैं, मतलब जमीन पे रहते हैं. मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑल्सो लिव इन वाटर. सम ऑफ देम आर फिश, क्रैब्स, जेलीफिश, शार्क, व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स. जो ये सारे एनिमल्स है वो वाटर में रहते, मतलब पानी में रहते हैं. अगर हम कभी कभी पानी के पास जाएंगे, मतलब हमारे घर का पानी नहीं, या सी है या ओशन है या रिवर है, उसके पास जाएंगे, वहाँ पे फिश मिलेगी, क्रैब्स मिलेगी, जेलीफिश मिलेगी, शार्क मिलेंगे, वेल्स मिलेगी, डॉल्फिन्स मिलेगी. समझ में आया? सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स एंड टोड्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. मतलब फ्रॉग्स एंड टॉड्स है वो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं. एनिमल्स ऑल्सो लिव ऑन ट्रीज. मंकीज, चिंपांजीज, स्लॉथ्स एंड मोस्ट बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज. जो मंकीज है, चिंपांजीज है, वो सब ट्रीज पे रहते हैं. सम एनिमल्स ऑल्सो लिव इन अंडरग्राउंड. फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, आंट्स एंड टर्मिट्स. मतलब जो कोई कोई एनिमल्स होते हैं वो जमीन के अंदर रहते हैं, मतलब अंडरग्राउंड रहते हैं. कौन कौन? अर्थवॉर्म है, आंट्स है, टर्मिट्स है, वो कहाँ पे रहते हैं? अंडरग्राउंड, मतलब जमीन के अंदर. नेक्स्ट टॉपिक, हाउ एनिमल्स मूव. एनिमल्स मूव कैसे करते हैं वो हम आज जानेंगे. एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. एनिमल एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो खाना ढूंढने के लिए और अपने लिए रहने के लिए छत ढूंढने के लिए. इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व द एनिमल्स अराउंड यू, यू विल सी that they move in different ways. अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो आपके आसपास जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मूव करते हैं. कैसे? एनिमल्स सच एज काउस, डॉग्स, कैट्स, बफेलोज, एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस वॉक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विथ हेल्प ऑफ देयर लेग्स. जो काउस है, डॉग्स है, कैट्स है, बफेलोस, एलिफेंट, हॉर्स है, वो सब अपने लेग्स से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. चित्तास एंड हॉर्सेस कैन रन फास्ट. चित्ता और हॉर्सेस है वो एकदम फास्ट फास्ट रन कर सकते हैं. द चित्ता इज फास्टेस्ट लैंड एनिमल. जो चित्ता है वो सबसे ज़्यादा फास्ट रन कर सकता है. एनिमल्स सच एज रैबिट्स एंड कंगारूज हॉप ऑन द ग्राउंड. जो एनिमल्स में कौन? कंगारू और रैबिट्स है वो ग्राउंड में हॉप करते हैं, मतलब जंप करके चलते हैं. एनिमल्स दैट लिव इन वाटर सच एज फिश, व्हेल एंड शार्क स्विम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो फिश है, शार्क है, डॉल्फिन है, वो सब एक जगह से दूसरी जगह अगर उनको जाना है तो वो स्विम करके जाएंगे.
Most birds can fly from one place to another. They are able to fly because they have wings and light bodies. मतलब जो most of birds होते हैं, जो छोटे छोटे birds होते हैं, वो एक जगह से, मतलब कोई large bird भी, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए fly करके जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास wings होते हैं और light body, मतलब हल्का सा body होता है. आपको विंग्स चाहिए, आपको भी आसमान में उड़ना होगा, है ना? लाइक दिस, देखो ये बर्ड कैसे अपने विंग से फ्लाई कर रही है. वैसे भी सब बर्ड्स अपने विंग से फ्लाई करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. सम स्मॉल एनिमल्स सच एज आंट्स, स्पाइडर्स एक्सेट्रा वॉक स्लोली ऑन देयर लेग्स विद देयर बॉडीज क्लोज टू ग्राउंड. दिस इज कॉल्ड क्रॉलिंग. मतलब कोई एनिमल्स होता है, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आंट्स है, स्पाइडर्स है, वो स्लोली स्लोली अपने लेग्स से, मतलब अपने पैरों से क्रॉलिंग करके ग्राउंड में चलते हैं. सम एनिमल्स सच एज स्नैक्स, स्नेल्स, स्लग्स एंड अर्थवर्म्स मूव बाई पुशिंग देयर बॉडीज along the ground. This is called creeping. वो ग्राउंड के साथ ऐसे creeping करते हैं. आपने कभी snake को देखा है? देखो ये snake है, वो creeping करके चलता है. और ये spider है जो crawling करता है. Our next topic is animals' homes. Different animals live in different homes. Sometimes animals make their own homes. People also make homes to keep animals. जैसे animal different different होते हैं, वैसे ही उनके home भी different different होते हैं. कभी कभी वो अपना घर, मतलब अपना home खुद ही बनाते हैं. और कभी कभी जो people है वो भी उनका घर बनाते हैं animals को रखने के लिए. A bird lives in a nest. मतलब जो birds है वो leaves वो nest में रहते हैं, वो अपना घर खुद ही बनाते हैं. An ant lives in anthill. मतलब ants से वो anthill में रहते हैं. देखो ऐसे होता है, थोड़ा खड्डे जैसा और उसमें सारे ants चले जाते हैं. A mouse live in hole. मतलब माउस से एक होल में रहता है. A cow lives in a shed. काउ है वो शेड में रहती है. वो उनका घर जो है वो पीपल बनाते हैं. A horse lives in a stable. हॉर्स है वो स्टेबल में रहते हैं, उनका घर भी पीपल बनाते हैं. A lion lives in a den. जो lion है वो den में रहते हैं, जो forest में होता है. A spider spins a web for a home. जो spiders है वो ऐसे net बनाते हैं उसमें रहने के लिए, जो अपने घर पे भी होता है. आपके घर में अगर कॉर्नर पे छोटा सा देखोगे तो वैसे स्पाइडर ने वैसा नेट बनाया अगर, उसमें वो स्पाइडर रहता है. और नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल्स बॉडीज. एनिमल की जो बॉडी है उसके बारे में हम बात करेंगे. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स. ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स हैव हेड, आईज एंड लिम्ब्स. जैसे एनिमल डिफरेंट होते हैं उनके, वैसे उनकी बॉडी जो है वो भी डिफरेंट होती है. और ऑलमोस्ट सब एनिमल्स को हेड, आईज एंड लिम्ब्स होते ही है. एनिमल्स लाइक काउस, हॉर्सेस, मंकीज, गॉड्स एंड शीप हैव फोर लेग्स व्हाइल बर्ड्स हैव टू लेग्स. काउ, हॉर्स, मंकी, गॉड, शीप, वो सबको फोर लेग्स होते हैं और बर्ड्स को टू लेग्स होते हैं. Snakes and earthworms do not have legs. Snakes और earthworms जो होते हैं उनको legs होते नहीं हैं, क्योंकि वो creeping करते हैं. Some very small animals like ants, butterflies and bugs have six legs.
मतलब जो बहुत ही छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनको 6 लेग्स होते हैं, जैसे कि आंट्स है, बटरफ्लाइज है, बर्ग्स है, वो सबको दे आर कॉल्ड इंसेक्ट्स, और उनको क्या बोला जाता है, इंसेक्ट्स। स्पाइडर्स हैव 8 लेग्स, टाइनी सेंटीपेड्स एंड मिलीपेड्स हैव मेनी मैनी लेग्स। मतलब जो स्पाइडर्स होते हैं उनको 8 लेग्स होते हैं, और टाइनी मतलब छोटे छोटे सेंटीपेड्स और मिनीपेड्स जो होते हैं उनको बहुत मतलब बहुत सारे लेग्स होते हैं। बर्ड्स हैव विंग्स विथ फेदर्स एंड अ स्पेशल माउथ कॉल्ड बीक। जो बर्ड है उनको विंग्स होते हैं और स्पेशल माउथ मतलब उनकी जो चोंच होती है उनको बीक बोला जाता है। देखो ये जो है उनके विंग्स है और ये बीक है जो उनका स्पेशल माउथ होता है। फिश डू नॉट हैव लेग्स, दे हैव फिन्स इंस्टेड। मतलब जो फिश है उनको लेग्स होते नहीं है, उनको फिन्स होती है। मोस्ट एनिमल्स यूज देयर टेल्स इन डिफरेंट वेज। जो मोस्ट ऑफ एनिमल्स होते हैं वो अपनी टेल्स का डिफरेंट वेज में यूज़ करते हैं। अगर वो डिफरेंट यूज़ कैसे करते होगे अपनी टेल्स का, टेल्स का कुछ यूज़ होता है हमको तो नहीं पता, चलो हम जानते हैं। टेल्स हेल्प एनिमल्स टू बैलेंस देयर बॉडीज एज दे स्विम, होप, जंप और स्विंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। जो एनिमल की टेल होती है हमको तो ऐसे लगा था कि एनिमल की ऐसे ही टेल होगी, पर ये जो टेल होती है वो उनका जो बॉडी है उनको बैलेंस करने में हेल्प करता है। फिर फिश को स्विम करने में हेल्प करता है, कांगारू को हॉप करने में हेल्प करता है, जंप करने में हेल्प करता है। फिर जो जो मंकी है वो ब्रांच टू ब्रांच जाता है, वो ब्रांच टू ब्रांच करने में भी उसकी टेल हेल्प करती है। टेल हेल्प फिश टू चेंज डायरेक्शंस। मतलब जो फिश है अपनी डायरेक्शन जब चेंज करती है तब तब उनकी टेल हेल्प करती है। नाउ टेल्स हेल्प सम एनिमल्स टू ब्रश अवे फ्लाइज एंड अदर स्मॉल एनिमल्स फ्रॉम देयर बॉडीज। मतलब जो टेल है वो एनिमल्स को फ्लाई करने में भी हेल्प करती है, और दूसरे जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनको साफ करने में भी मतलब क्लीन करने में भी हेल्प करती है। टेल्स ऑल्सो हेल्प एनिमल टू शो देयर फीलिंग्स। जो टेल है वो जो एनिमल की जो फीलिंग है वो शो करने में मतलब बताने में हेल्प करता है। नाउ पार्ट्स ऑफ फिश। फिश के हम आज पार्ट्स जानेंगे। इसको क्या बोलते हैं, फिन, जो उसके दो साइड में होते हैं, और जो पीछे टेल होती है उसको क्या बोलते हैं, टेल। अंडरस्टूड, दिस इज द पार्ट ऑफ फिश। ये IMP क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकता है। पार्ट्स ऑफ फिश, इसको क्या बोलते हैं, फिन, गुड। इसको क्या बोलते हैं, टेल, वेरी गुड, रिमेम्बर इट। आर नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल फूड। जैसे कि हम भी फूड खाते हैं वैसे एनिमल भी फूड खाते हैं। जैसे हमारा फूड डिफरेंट डिफरेंट होता है, कोई वेज खाता है कोई नॉन वेज खाता है, वैसे एनिमल में भी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड खाते हैं। देखते हैं कैसे। एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हर्बीवर्सिस एनिमल्स। जो एनिमल्स ओनली प्लांट खाते हैं उसको हर्बीवर्सिस एनिमल्स बोलते हैं। काउस, हॉर्सेस, जिराफ एंड गोट्स आर सम हर्बीवर्स। काउस, हॉर्सेस, जिराफ्स एंड गोट्स आर सम हर्बीवोरस। मतलब जो काउस, हॉर्सेस, जिराफ वो है सिर्फ प्लांट खाते हैं, वो अदर एनिमल का मीट खाते नहीं है। एनिमल्स दैट हंट एंड ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल।
मतलब जो एनिमल हंट करते हैं, आपको पता है ना हंट मतलब क्या? मैंने बताया था, जो शिकार करते हैं दूसरे एनिमल को मार के उनको खाते हैं, उनको कार्निवर्सिस एनिमल्स बोलते हैं। टाइगर्स, लायंस, चीतास एंड पैंथर्स आर कार्निवरस। मतलब जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं मोस्टली वो कार्निवर्स होते हैं। वो और वो लोग हंट कैसे करते हैं? पहले जो एनिमल होता है जिसका उनको हंट करना होता है उसके पीछे रन करते हैं, फिर उनको अपने पाँव से मतलब पकड़ते हैं, फिर उनको खाते हैं। ऐसे वो हंट करके अपना मतलब अदर एनिमल्स का फ्लेश खा के वो अपना पेट भरते हैं। सम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स सच एज जैकल्स एंड हाइएनास डू नॉट हंट, दे ईट द लेफ्ट ओवर ऑफ व्हाट अदर एनिमल हैव हंटेड एंड फीड अपॉन। दे ऑल्सो ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। मतलब जो जैकल्स होते हैं वो लोग भी ईट फ्लैश फ्लैश ही खाते हैं अदर एनिमल का, बट वो हंट करते नहीं हैं। जो टाइगर्स उन लोगों ने जो हंट किया होता है उसमें से जो बचा हुआ जो मीट होता है वो लोग वो खा जाते हैं। उनको कौन से एनिमल्स बोलते हैं? स्कैवेंजर्स। नेक्स्ट, सम एनिमल्स सच एज क्रोज एंड बेयर्स ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड ओमनिवोरस। जैसे हम भी या तो वेज खाते या तो नॉन वेज खाते या तो बोथ खाते, वैसे भी एनिमल्स में भी या तो प्लांट्स खाते हैं या फ्लैश ऑफ एनिमल खाते या तो बोथ खाते हैं। नाउ आर वैल्यूज। एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। एनिमल हमारे लिए बहुत सारी जगह पर यूजफुल है। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आर पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल। जो डोमेस्टिक एनिमल्स मीन्स हमारे घर के आसपास जो काउस होते हैं, गॉड्स होते हैं, शीप होते हैं, हैंस होते हैं, वो डोमेस्टिक एनिमल है। उनकी भी टेक केयर अच्छे से करनी चाहिए। और हमारे घर पे अगर पेट एनिमल है जैसे कि कैट होता है, डॉग होता है, फिश होती है, उन लोगों का भी अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। वी शुड फीड देम प्रॉपरली एंड कीप देयर होम्स क्लीन। हमको उनको अच्छे से खाना देना चाहिए और उनका जो होम है वो क्लीन रखना चाहिए। जैसे हमको भी गंदा अगर घर होगा तो हमको अच्छा लगेगा नहीं, हमको क्लीन घर अच्छा लगता है। वैसे भी जो एनिमल्स होते हैं उनको भी क्लीन होम ही अच्छे लगते हैं। वी शुड नॉट टीज देम। हमको उनको छेड़ना चाहिए नहीं, हमको उनको सताना चाहिए नहीं। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा और एनिमल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिली होगी। थैंक यू। जज़ाकल्ला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।